2019 के पहले चरण का रण हुआ पूरा। पहले दौर में 20 राज्यों की 91 सीटों पर हुआ मतदान। कई बड़े उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। असम के सिलचर में पीएम ने फिर किया कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर वार। कहा यह चुनाव देश को बदलने वाला चुनाव। बीजेपी की जबरदस्त लहर। रायबरेली में सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा अजय नहीं है मोदी। राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी का अमेठी से नामांकन। पर्चा दाखिल करने से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ किया रोड शो। पश्चिम बंगाल में अमित शाह का ममता पर निशाना। घुसपैठिए को बताया सुरक्षा के लिए खतरा। कहा बंगाल की खाड़ी में फेंक दिए जाएंगे घुसपैठिए। अमेठी में राहुल गांधी की सुरक्षा में लापरवाही की शिकायत पर गृह मंत्रालय का जवाब। कहा कांग्रेस की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई। चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में झड़प। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर मारपीट का लगाया आरोप। उत्तराखंड में एक साथ तीन पीढ़ियों ने मनाया लोकतंत्र के पर्व का जश्न। नाती पोतों के साथ वोट डालने पहुंची 83 साल की बुजुर्ग। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में सेना के जवानों ने भी लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। अल्मोड़ा में रानीखेत कैंट स्कूल में सैनिक वोटर्स की लंबी कतार। मतदान में उत्साह बढ़ाने के लिए नोएडा में प्रशासन ने वोटिंग सेल्फी स्टैंड लगाए। वोट डालने के बाद लोगों ने की सेल्फी।